Good morning, children. Okay. So मैंने good morning एक विशेष प्रयोजन से कहा था. मुझे भी पता है ये evening है, पर morning और evening में क्या अंतर होता है? Morning को क्या होता है आपके अंदर? एनर्जी बोलो. सुबह में जब सुबह उठते हैं तो उत्साह होता है, एक दिन सामने होता है, मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, सूर्य चमक रहा होता है ना. और जब शाम होती है धीरे धीरे सूरज ढलता है, फिर रात होती है, तो वैसा ही कुछ हमारे अंदर भी होता है. हमारे अंदर मॉर्निंग कब होती है? जब हम उत्साह से भरे होते हैं, आशा से भरे होते हैं. और रात कब होती है? जब हम बिल्कुल थके हारे, अब बस किसी तरह बिस्तर में आ जाएं. तो एक बाहर सुबह और रात होती है, एक हमारे अंदर भी सुबह और रात होती है. रात को जब अंदर में रात होती तो कई बार लगता है कि कभी कभी लगता है कि अरे जीवन बड़ा डार्क सा हो गया है ना. तो उस समय हमको क्या याद रखना है? रोज हम लोग सीखते हैं, हर रात के बाद क्या होता है? सूर्य उगता है. तो गुड मॉर्निंग इस कारण मैं कहता हूं कि हमको ये स्मरण रखना है, ठीक है? कितनी भी घनी रात क्यों ना हो, सूरज निकलेगा निकलेगा. ये हम सूरज से सीखते हैं. और बोलो किस किस चीज से हम सीखते हैं? कोई और नदी से क्या सीखते हैं? शांत नहीं, बहते हैं ना. नदी बहती है, कहाँ बहती है नदी, किधर जा रही है? हाँ, पहाड़ से आती है, कहाँ जाती है? समुद्र की ओर जाती है. ये दो चीजें हमको हमेशा आनी चाहिए, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं. आपके सामने एक बहुत बड़ा जीवन है, आप बता सकते हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, है ना? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता होगा कि हमको कहाँ जाना है तो क्या होगा, हम मार्ग में या तो भटक जाएंगे या कोई भी हमको किधर भी ले जाएगा. लेकिन अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप रास्ता ढूंढ लोगे. मान लो आप रास्ते पे चल रहे हो और अचानक आप रास्ता भटक गए, कोई व्यक्ति मिला, तो आप क्या पूछोगे इससे कि भैया मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे मार्ग बताओ. तो वो क्या पूछेगा? आपको कहाँ जाना है ना. और अगर हम बोलेंगे ये तो हमको पता ही नहीं हमको कहाँ जाना है, तो ये चीज़ हमको कहाँ जाना है जीवन में, इसको बोलते हैं एम ऑफ लाइफ. सुनने में बहुत सरल लगता है ना कि कहाँ जाना है तो मालूम होना चाहिए, पर एम ऑफ लाइफ, लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर आपको ये पता होगा तो आप अपने जीवन को ओरिएंट करोगे उस हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कहाँ जाना है. तो आप जब भी रास्ता भटकोगे आपको ये पता है मुझे जाना कहाँ है, तो आप रास्ता ढूंढोगे, ठीक है? कहाँ से आ रहे हो ये भी जरूरी है. अगर मैं पूछूं आपसे कि आप कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो आपका क्या उत्तर रहेगा? अरे वाह, थैंक यू, ये तो आप फर्स्ट शॉट में एकदम परफेक्ट आंसर. भारत के हम निवासी हैं. भारत के निवासी होने का मतलब क्या है?
क्या स्पेशल, भारत के निवासी हो या चीन के हो या फ्रांस के हो, भारत के निवासी हैं इसका क्या मतलब है? कोई खास बात है भारत में? कोई ऐसी चीज जो आपको भारत की पहचान है? भारत की पहचान किससे है बोलो, बताओ। कल्चर, भारत की संस्कृति अद्भुत है, अनोखी है अपने आप में। हर जगह की अपनी संस्कृति होती है, लेकिन भारत की पहचान भारत की संस्कृति से है। जब आप कहते हो कि मैं भारतीय हूँ, इसका मतलब एक भारतीय संस्कृति है जो आपकी अपनी गिफ्ट है, जो मिली है आपको। तो भारतीय संस्कृति क्या है, क्या चीज़ें हैं भारतीय संस्कृति में? भारतीय संस्कृति में तीन चार इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमको हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को क्या सिखाया जाता है, क्या मूल चीज है भारतीय संस्कृति की? कोई बताओ, कोई बताएगा मुझे? भारतीय संस्कृति तो है, लेकिन भारतीय संस्कृति क्या है? पूजा पाठ, बाहर से आप जाते हो, ये होली मनाते हो, दिवाली मनाते हो, ये भारतीय संस्कृति है या कुछ और भी है? कुछ लोग कहते हैं भारत में बहुत सारे देवी देवता हैं, इस तरह से हम लोग कहते हैं ना। भारतीय संस्कृति की अद्भुत बात क्या है? चलो हम इस पर थोड़ी सी बात करें, करें इस पर थोड़ी सी बात। किसी भी संस्कृति में तीन चीजों का महत्व है। एक, मैं कौन हूं। हर एक संस्कृति में ये सिखाया जाता है। कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जहां बताया जाता है आप केवल एक शरीर हो। भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है? हम शरीर तो है, लेकिन केवल शरीर नहीं है, और भी कुछ है शरीर के अलावा। हो सकता है हम उसको नहीं जानते, लेकिन वो हमारी सच्ची पहचान है। तो भारतीय संस्कृति क्या बताती है हमें? हम शरीर ही नहीं है, कुछ और भी हैं। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। कभी सुना है किसी ने शरीर के अलावा? सोल, वेरी गुड टर्म। क्या है सोल? सोल की जरूरत क्या है? सोल वो तार की तरह है जो हमारे व्यक्तित्व को डिवाइन से जोड़ती है। अभी आप लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो ना, क्या आपका एडवेंचर कैंप है? रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो तो उसमें बांधते होगे ना यहाँ पे रस्सी, और कहीं पर आप स्टेबल ग्राउंड जहाँ पर आप कनेक्ट करते हो, नहीं तो क्या होगा, गिर सकते हो। तो सोल वह रस्सी है जो हमको, हमारी अंदर कोई बहुत स्टेबल ग्राउंड है, सॉलिड ग्राउंड है, या कोई है, व्यक्ति है, बीइंग है, कुछ भी आप जैसे भी लो, भगवान है, ईश्वर है, उनसे हमको जोड़ती है। तो सोल, कई बार लोग कहते हैं सोल की जरूरत क्या है? सोल की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम सोल से कनेक्टेड नहीं रहेंगे या उसको नहीं जानेंगे, तो हम मार्ग में, अब रास्ता है ना जीवन में, गिरते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, सब होता है। लेकिन अगर आप कनेक्टेड हो भगवान से, वो तार कनेक्ट करता है, तो आपको इंस्टेंट हेल्प मिलती है और आप फिर से उठने की शक्ति मिलती है। सोल वो तार है जिससे भगवान की सारी ऊर्जा, शक्ति, प्रेम ये हम तक पहुँचता है। तो इसलिए सोल के बारे में जानना जरूरी है। क्यों? हमारा परमानेंट फ्रेंड कौन है जीवन में? भगवान है कि नहीं है? है ना, जिनको आप कभी भी किसी समय, फ्रेंड कौन होता है जिसको आप कभी भी बुला सको? तो ये भारतीय संस्कृति में हम क्या मानते हैं? भगवान हमारे मित्र हैं। कहते हैं कि नहीं भगवान मित्र हैं? कृष्ण जी कौन है, मित्र हैं कि नहीं है? भगवान मित्र हैं, भगवान हमारी माता हैं, भगवान पिता हैं, भगवान प्रेम करते हैं, खेलते भी हमारे साथ। ये भारतीय संस्कृति में हम लोग ऐसे समझते हैं। तो हम कौन हैं? हम शरीर हमारा है, लेकिन हमारी पहचान हमारी आत्मा है जो हमें भगवान से जोड़ के रखती है। और जिस दिन हम उसको जान जाते हैं, उस दिन हम हमेशा हमेशा वो वायर जो जोड़ के रखता है, वो हमारा पासवर्ड है,
जिससे हम जुड़े रहते हैं। अब पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड वह है जो आपको भगवान से जोड़ता है, ये आपका व्यक्तिगत पासवर्ड है। उस पासवर्ड को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? मंत्र। मंत्र आपका पासवर्ड है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ना, जब भैया ने ओम कहा, तो ओम एक पासवर्ड बन सकता है। जब आप ओम को इस भाव से उच्चारण करते हो कि यह भगवान से हमको जोड़ सकता है, ये कोई और शब्द भी हो सकता है, माँ या ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना छोटा होगा पासवर्ड उतना अच्छा है। यहाँ हैकिंग नहीं होती है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, पासवर्ड है ये हमारा। पासवर्ड वह नाम या वह मंत्र है जिसके द्वारा हम भगवान से ईजिली कनेक्ट होते हैं। तो वायर आ गया और ये आपका कनेक्शन पॉइंट है, पासवर्ड। हर किसी को अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए जिससे आप जुड़ते हो। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हे कृष्ण, उनको एकदम भगवान के साथ, कुछ राम 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 राम, है ना। तो ये भारतीय संस्कृति में ये चीज़ें हमको मिलती हैं एज ए गिफ्ट। और क्या चीज़ मिलती है? हम संसार को कैसे देखते हैं? संसार क्या है, किस किस लिए बना है संसार, संसार के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए? तो भारतीय संस्कृति हमको ये बताती है, संसार में जो कुछ भी है, भगवान केवल हमारे अंदर नहीं है, भगवान सब चीज़ के अंदर है, ये भारतीय संस्कृति बताती है। तो उससे क्या अंतर पड़ता है? अब आप एक दूसरे से जब संबंध जोड़ोगे तो आप क्या सोचोगे? भैया इसके अंदर भी भगवान है, इस पेड़ के अंदर भी भगवान है, नदी के अंदर भी भगवान है। तो भारत में हर चीज़ की हम पूजा करते हैं, करते हैं कि नहीं? पहाड़ की पूजा, नदी की पूजा, हर चीज़ की, सूर्य की पूजा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ के अंदर भगवान है। ये भारतीय संस्कृति में हम लोग को गिफ्ट मिलता है। तो अगर हर चीज़ के अंदर भगवान है तो हर चीज़ को हमको रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, हर चीज़ को हमको आदर के साथ ट्रीट करना चाहिए। किस इस तरह की चीज़ें जैसे गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, ये नहीं। हर चीज़ के अंदर भगवान है तो हमको उस भाव से ट्रीट करना है। जीवन क्या है भारतीय संस्कृति में अगर हम देखते हैं? जीवन है जो हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जीवन आगे बढ़ने के लिए, और आगे और आगे। अग्नि की पूजा होती है ना, कई जगहों पर अग्नि जलाई जाती है पूजा के लिए। मालूम है अग्नि शब्द कहाँ से आता है? अग्नि आता है अग, आगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो जीवन किस लिए है? आगे बढ़ने के लिए। तो एक आगे बढ़ना है जब हम एग्जाम्स में या स्कूल में आगे बढ़ते हैं, दूसरा आगे बढ़ना है जब हम अपने ही अंदर कोई नई चीज़ को डेवलप करते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो वो भी एक आगे बढ़ने की बात होती है। आगे बढ़ना, लाइफ इज अबाउट प्रोग्रेस, प्रगति करना, ये भारतीय संस्कृति हमको बताती है, एंड नॉट अबाउट जस्ट हैप्पीनेस। आप प्रोग्रेस करोगे तो आपको जॉय आएगा, आएगा ही आएगा। कभी अनुभव किया है प्रोग्रेस करके जॉय जो मिलता है? कोई नई चीज़ आपने बनाई, कोई नई चीज़ देखी, तो जॉय मिलता है? कोई ऐसी चीज़ जो आप कर नहीं पा रहे थे वो आपने किया, जॉय आता है ना उसमें? तो अगर आप प्रोग्रेस करोगे, कोई नई चीज़ सीखोगे, नई चीज़ करना जानोगे, तो आपके अंदर जॉय आएगा। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में ये प्रोग्रेस का कंसेप्ट है, मानव जीवन प्रोग्रेस के लिए बना है। और आप कहाँ तक प्रोग्रेस कर सकते हो? यहाँ तक कर सकते हो कि आप जो ईश्वर हैं उनके साथ एक हो सकते हो, यहाँ तक, कोई लिमिट नहीं है। इतनी अधिक प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटी है हमारे यहाँ भारत भारतीय संस्कृति में। बाकी अपने ऊपर है, आप कितना करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये फ्रीडम है। फिर भारतीय संस्कृति में दो शब्द हैं, कर्म और धर्म। हम लोग कर्म और धर्म प्रधान संस्कृति है। हम ये नहीं मानते कि हम मान लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे जीवन हमारे सामने खुलेगा। तो कर्म के मूल में क्या है? चॉइसेस। आप जो चॉइस करते हो अपने अंदर, वैसे आपके सामने जीवन खुलता है। जैसी आपकी चॉइसेस होंगी वैसा रास्ता खुलेगा। तो कर्म
जैसा होगा हमारा उसके पीछे जो चॉइस है उसके अनुसार से हमारा रास्ता खुलेगा। ओके तो ये भारतीय भारत की कई कुछ पहचान है। तो आप सब भारतीय हो तो ये सारी चीजें अंदर में हैं, तो ये तो कह देना काफी नहीं है ना कि मैं भारत का हूं। ये चीजें हमारे अंदर डेवलप करनी चाहिए, पूरा जीवन है इसके बारे में आप पढ़ोगे डेवलप करोगे। अब एक दूसरी बात पर आते हैं और वो बात है एक कहानी। कहानी सुनोगे? ओके एक राजा, उसने एक बार एक मंत्रणा की, कई लोगों को बुलाया आपने यहाँ पे। उसके तीन प्रश्न थे। अगर आपसे कहा जाए कि आस्क थ्री क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन, तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? डू यू हैव ए क्वेश्चन? आप सबके दिमाग में क्वेश्चन है? है? है। तो पहले मैं राजा के तीन क्वेश्चन बता दूं, फिर आप क्वेश्चन पूछना। राजा के तीन प्रश्न ये थे कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, दूसरा क्वेश्चन था सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, और तीसरा प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। है ना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पता होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। तो राजा को ये समझ नहीं आ रहा था, उसने लोगों को बुला के पूछा। तो जितने भी लोग थे वो कोई कहता था सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो मिनिस्टर है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो फला फला है, पावरफुल व्यक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो आपके सगे संबंधी हैं, इत्यादि इत्यादि। समय के बारे में भी सबकी अपनी अपनी बात थी। सुबह आप बेटर रहता है, दोपहर को बेटर रहता है, इस काल में ये काम करना चाहिए, उस काल में ये काम करना चाहिए। काम के बारे में भी कोई कहता था साइंटिस्ट सबसे बढ़िया काम है, कोई कहता था मिलिट्री में जाना सबसे अच्छा काम है, कोई कहता था बिजनेस करना सबसे अच्छा काम है। तो राजा तो कन्फ्यूज हो गया, संतुष्ट नहीं हुआ। तो जब कन्फ्यूजन होते हैं तो हमको किससे क्या करना चाहिए? जब कन्फ्यूजन हो, समझ नहीं आ रही कोई बात, सीक सम वाइज मैन, है ना। तो राजा ने भी यही कहा, ढूंढा तो पता चला कि एक साधु है, रहता है ऊपर कहीं, और उसके पास इन प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो राजा गया, देखा साधु क्या कर रहा है। वो एक संत पुरुष है, वो मट्टी में फावड़े से गड्ढा खोद रहा है। तो राजा ने कहा, राजा साधारण वेश धर के गया कि वो नहीं तो पहचान जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो राजा ने कहा, मैं आपके पास बहुत दूर से तीन सवाल लेके आया हूँ। वो गड्ढा करता रहा और राजा कहता है, मेरे तीन सवाल हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो साधु ने राजा की ओर देखा, फिर अपना काम करने में लग गया, करता रहा काम। अब इसने तो बता दिया, ये कुछ कह नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, मैं आपके पास ये तीन सवाल लेके आया हूँ, शायद आप थक गए हैं इसलिए उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, लाइए मैं थोड़ी देर आपका काम कर देता हूँ। तो जो साधु था उसने कहा, ठीक है आप कर दो। राजा करने लगा, करता रहा। उसको लगा अब ये उत्तर देगा, टायर्ड ठीक हो गया, वो कुछ नहीं बोल रहा है तो ये करता रहा। काफ़ी समय बाद राजा ने काम बंद किया, कहा देखिए मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, मेरे तीन प्रश्न हैं, इनका उत्तर दे दीजिए। कौन से तीन प्रश्न? कार्य क्या है, बस। तो इतने में एक आदमी जंगल से भागा भागा आ रहा था, बहुत परेशान सा। तो साधु ने उत्तर देने के बजाय कहा, अरे अरे देखो कौन आ रहा है। तो दोनों भागे, तो उसके पेट में चोट लगी हुई थी। सुनी कहानी है, पेट में चोट लगी हुई थी। तो राजा साधु दोनों देखा चोट, तो उन्होंने कहा चलो इसको बचाते हैं। तो बचाने लगे, उसके देखा यहाँ से खून बह रहा है, छुरा उरा लगा हुआ है, उसको ले गए घर, दोनों मिल करके घर में उसकी सेवा की। वो आदमी तो एकदम बुरी हालत में था, वो सो गया। तब तक राजा भी थक के चूर हो गया था, पूरे दिन राजा गड्ढा खोदता रहा, उसके बाद इसको बचाने में लगा रहा, तो राजा भी सो गया।
दोनों सो गए। सुबह उठा राजा तो उसने देखा ये जो घायल व्यक्ति था वो उठ के राजा को बड़े ध्यान से देख रहा है, अभी साधु पिक्चर में नहीं आया। तो घायल व्यक्ति ने कहा मैं आपका ऋणी हो गया, मैं कैसे, आप मुझे क्षमा कर दें। तो राजा ने कहा क्षमा कर दे, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूं, क्षमा किस बात की। कहते मैं पड़ोसी देश से हूं, आपसे बहुत ईर्ष्या करता हूं, मुझे पता चला कि आप अकेले साधु के पास मिलने आए हैं और मैं आपको मारने के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में जो आपके सैनिक है जिनको आपने छोड़ दिया था कि मैं अकेला जाऊंगा, उन्होंने मुझे पहचान लिया और वो मुझे पकड़ के मारने लगे। किसी तरह मैं बच के आया, आपको तो कुछ मालूम नहीं था, आपने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं जीवित हूं, मैं आपका ऋणी हूं, जो भी आप कहेंगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। तो राजन ने कहा वो तो बाद में देखेंगे, अभी तो मेरी समस्या वो साधु का है, मैं तो 3 क्वेश्चन पूछने आया था। तो इतने में वो साधु से मिलते हैं, फिर कहते देखिए कल से मैं यहाँ पर हूँ, आपसे अंतिम बार निवेदन है, आप बताना चाहें तो बता दें मेरे 3 प्रश्न, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो साधु ने कहा तुमको अभी तक उत्तर नहीं मिला? कहते नहीं। कहते देखो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? हाँ हाँ वेरी गुड, आपने जो गुड किया, द गुड यू डिड, जो आपने हेल्प किया। तो हम क्या सोचते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? साइंटिस्ट बनना, बिजनेसमैन बनना। आपने 2 तरह के गुड किए। पहले राजा ने देखा कि वो थक गया है साधु, तो उसने साधु को कि भाई मैं हेल्प कर दूं, ये थोड़ा थकान दूर हो जाएगी तो शायद मुझे बता दे। फिर जब आपने देखा उसको भागते हुए, उसको भी आपने हेल्प किया। तो जो आपने हेल्प किया, चूंकि आप मेरा हाथ बटाने लगे, तो ये जो मारने की घात लगा के बैठा था ये तो वेट करता रहा, जब देखा आप आ ही नहीं रहे हो तो ये खुद आने लगा आपकी तरफ और सैनिकों ने इसको पकड़ लिया। तो आप बच गए क्योंकि आपका ध्यान फोकस उस समय जो काम कर रहे थे उस पर था। इससे क्या है, जो काम आपके हाथ में है उस समय, चाहे झाड़ू दे रहे हो या आप खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो या सुन रहे हो या बोल रहे हो या खेल रहे हो, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ओके फिर उसने कहा ठीक है, ये तो मुझे समझ आया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है डूइंग गुड। तो आप वो किसी भी पोजीशन में कर सकते हो, है ना, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो उसको आप सुंदर ढंग से करो, अच्छा सोच के करो। एक स्टोरी है छोटी सी, इससे साइड की स्टोरी, फिर हम इस पर आएंगे। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना पहला, बहुत, अब उसके पिताजी जूता सिलते थे, जूता गांठते थे। तो जब वो प्रेसिडेंट बना तो कुछ लोग होते ना जो मजाक उड़ाते, अरे तुम्हारे पिताजी तो ऐसे थे, कैसे होते हैं ये लोग जो मजाक उड़ाते हैं किसी के काम का, आप सोच लीजिए, वो खुद बड़े नीचे गिरे हुए लोग होते हैं। तो उसने कहा प्रेसिडेंट आपको स्मरण है ना आपके पिताजी क्या काम करते थे इनडायरेक्टली? तो लिंकन ने कहा हाँ स्मरण है, और मैंने भी उनसे थोड़ा बहुत जूते के बारे में सीखा है, अगर तुम्हारे जूते में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बड़े अच्छे से उसको सिल सकता हूँ और आई एम श्योर आपको कभी कंप्लेंट नहीं होगी। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जो काम आप कर रहे हो उसको तन्मयता से करते हो, और इसमें एक अगर आप जोड़ दो कि ये मेरा सेवा है संसार के प्रति, भगवान के प्रति, तो काम बहुत सुंदर हो जाता था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा उसने कहा अच्छा ठीक है, ये तो समझ आया, महत्वपूर्ण काल कौन सा है? हाँ प्रेजेंट, समझ गए, वर्तमान। आप तो जा नहीं सकते ना पास्ट में, तो उस समय जहां, अब हम लोग क्या करते हैं वर्तमान में पास्ट का सोच रहे हैं या वर्तमान में हम फ्यूचर का सोच रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं वर्तमान को खो देते हैं। फ्यूचर कैसे बनता है?
आपके वर्तमान में जो आप कर रहे हो उससे फ्यूचर बन रहा है। तो अगर आपको फ्यूचर भी अगर सुंदर बनाना है तो केवल विश करने से तो नहीं होगा, सोचने से तो नहीं होगा, अरे मैं एग्जाम में पास होऊंगा, फेल होऊंगा, मैं ऐसा होगा वैसा होगा। आप उस समय क्या कर्म कर रहे हो तो वो वर्तमान आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। आप उसको कैसे स्पेंड करते हो, यूज करते हो, वैसे आपका भविष्य खुलेगा। वर्तमान चाबी है कि भविष्य में कौन से पथ पर आप जा रहे हो। फिर बोले अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो उस समय आपके सामने है। लोग कई बार सोचते हैं, मेरे परिवार के लोग, अच्छी बात है परिवार में स्नेह रखो, लेकिन बाहर अकेले जाते हैं लोग, दुनिया है ना, उसमें थोड़ी आप हर समय परिवार के साथ रहते हो। अगर ईश्वर ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन उस समय काम आता है? वे लोग जो उस समय आपके चारों तरफ हैं। इससे एक और बात निकलती है कि किसी भी व्यक्ति से तुम मिलते हो तो उसको ये मान के मिलो कि ये मेरे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप उसकी बात को पूरी तरह सुनोगे, उसके लिए जो भी करना है आप करोगे। लेकिन आप ये मान के चलोगे कि अरे ये नहीं, महत्वपूर्ण व्यक्ति तो वो है जो वहाँ बैठा हुआ, जो मैंने लिस्ट में, VIP लिस्ट में, तो अब आज से वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन VIP कौन होगा? वो VIP है, वो वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और भी हमारे आपस में संबंध सुंदर होंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपके सामने है आप उसको सुनोगे, आप उसके साथ जो भी व्यवहार करोगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। और इसकी बहुत सारी हमारे इतिहास में, हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सुंदर कहानियां हैं। तो ये तीन प्रश्न हैं जिसके उत्तर हमको आने चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इवन खेल रहे हो तो आप ऐसे खेलो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है, तो आपके अंदर क्या होगा, सब कुछ डेवलप करेगा, खेल के प्रति उत्साह, खेल से जो कुछ डेवलप होता है। खेल से क्या क्या डेवलप होता है? खेल अच्छी चीज़ है कि नहीं? अच्छी है ना, मम्मी पापा भी यही कहते हैं, नहीं कहते ना? खेल क्यों अच्छी चीज़ है? मैं मानता हूँ तुम्हारी बात की, खेल बहुत अच्छी चीज़ है, फिजिकल एक्सरसाइज। और क्या डेवलप होता है खेल से? स्टैमिना और कॉन्सेंट्रेशन, वेरी ट्रू। खेल सकते हो आप क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी बिना कॉन्सेंट्रेशन के, और ठीक है, और फोकस, और सेटिस्फैक्शन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज खेल से डेवलप होती है। टीम वर्क, वेरी ट्रू। आप जब खेल खेल रहे हो, आजकल एडवर्टाइजमेंट भी आता था ना, वो किसका बेटा आता है, भूल रहा हूँ मैं, टीम कैप्टन या भूल रहा हूँ मैं कौन, किसका बेटा आता है मिलने के लिए, और वो कहता है नहीं नहीं मैं अभी इसके साथ अपॉइंटमेंट हो, कहता है डैड आई एम योर सन, कहता है भैया अभी खेल हो रहा है तो टीम इज इम्पॉर्टेंट। रोहित शर्मा, तो वो टीम का जो सेंस होता है कि टीम इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, उसमें केवल आप नहीं इम्पॉर्टेंट हो, सब लोग के साथ, सबको साथ लेके चलना, ये टीम स्पिरिट जिसको बोलते हैं, वो खेल के द्वारा डेवलप होती है। टीम स्पिरिट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं लाइफ में? अच्छा, और एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट, आप खेल खेलते हो तो कभी जीतते हो कभी हारते हो। हाँ, क्या कहा तुमने, बड़ा अच्छा बोला, क्या हार जीत चलती रहती है। आप हारो या जीतो, खेल से जो डेवलप होना है वो डेवलप होगा ही होगा। हारने वाली टीम को भी मसल स्टेमिना डेवलप होता है, जीतने वाली टीम को भी डेवलप होता है। तो हार जीत के पीछे कुछ और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। हार जीत में बहुत उलझ नहीं जाना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम डेवलप हो रहे हैं। जो खेल खेलता है, जब कई गेम खेल चुका कोई व्यक्ति, तो कोई उसे ये नहीं पूछता है कि कितने खेल तुम हारे थे, कितने जीते थे। अगर आपने अच्छा खेला है तो अच्छा खेला है, दिल लगा के खेला है तो दिल लगा के, इसलिए खेल इम्पॉर्टेंट है। ओके,
और अगर आप खेलोगे तो ये आपकी स्टडीज में भी हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन डेवलप होती है, खेल आपके अंदर उसका विकास करता है. और एक चीज होती है खेल के द्वारा, खेल में एनर्जी खत्म होती है या एनर्जी बढ़ती है ना, इंटरेस्टिंग चीज. ऐसा क्यों होता है? आप तो एक्सपेंड कर रहे हो एनर्जी ना, क्योंकि जब आप स्पेंड करते हो एनर्जी तो हम सबके अंदर एक सिस्टम बना हुआ है. हम बाहर से एनर्जी भी हमारे अंदर आती है, ये नेचर का सिस्टम है. ऑफ कोर्स एक लिमिट है बॉडी की, आप उसके बियॉन्ड जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, पर नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब एक्सरसाइज हम करते हैं, इवन एक्सरसाइज, तो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं. और जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सारे दिन बेड में पड़े रहते हैं, कोई पड़ा तो नहीं रहा कभी सारे दिन बेड में? हाँ नहीं ना. हाँ पड़े रहे, ये देखो हाथ उठा के बोल रहा है, बड़े गर्व के साथ बोल रहा है. नहीं कोई बात नहीं है, सच बोलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या होता है सारे दिन पड़े रहने से? लेजीनेस आती है. क्यों? क्यों सुनो, क्यों? जब हम कोई चीज स्पेंड करते हैं तो प्रकृति वो चीज हमको देती है, और जब हम उसको स्पेंड नहीं करते हैं तो हमारे आने के एवेन्यू बंद हो जाते हैं. आप हर चीज के साथ ये लागू होता है. तो जब आप खेलते हो या कोई भी कर्म करते हो, इवन पढ़ाई करते हो, तो आप एनर्जी अलग लेवल पे होती है. पढ़ाई में आपकी एनर्जी, माइंड की एनर्जी स्पेंड हो रही है, तो माइंड के अंदर भी एनर्जी आती है. और आप देखोगे कि पढ़ोगे तो माइंड भी डेवलप्ड होता है, माइंड की मसल्स डेवलप होती हैं. ओके, तो जो भी चीज़ आप देते हो वो चीज़ आपके अंदर बढ़ती है. ये मैथमेटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है ना. नॉर्मली हम क्या सीखते हैं? अरे बात दो. क्यों? देने से घटेगी, है ना, तो ऐसे सोचते हैं ना, दोगे तो घटेगी. लेकिन यहाँ पर एक अलग मैथमेटिक्स है, जब आप देते हो तो बढ़ती है चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें हम खेल से सीखते हैं. ओके, अब ये हो गए मेरे प्रश्न. अब तुम लोगों के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो. हाँ बोलो. क्या चीज? बेड में पड़े रहेंगे तो आलस भी आ जाएगा. कहाँ पर? बेड में, बिल्कुल. और आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं है. आई 100% एग्री. अगर बेड में पड़े रहोगे तो आलस आ जाएगा. आलस बड़ी भयंकर बीमारी है. कभी कभी रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो वाला कि हम पड़े रहे बस, वो ठीक नहीं है. और कोई क्वेश्चन है? ये तो ऑब्जर्वेशन है, बहुत करेक्ट ऑब्जर्वेशन है. कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों के? अरे बच्चे लोगों, क्वेश्चन तो होने चाहिए. हाँ बोलो. डिवाइन क्या होता है? डिवाइन, ये तो बड़ा सुंदर क्वेश्चन है. आप ये बताओ कि हम सब, आई पुट इट टू यू, लेकिन ये सबके साथ लागू होगा. हम सबके अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी है, एक लिमिटेड थिंकिंग है, एक लिमिटेड फीलिंग है. अब लेकिन हम, अगर मैं ये बोलूं कि अल्टीमेट थॉट की अल्टीमेट क्या होगी, फीलिंग की अल्टीमेट क्या होगी, फीलिंग की बताओ अल्टीमेट क्या होगी. नहीं, आप पहले ये बताओ अल्टीमेट क्या, फीलिंग की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है. उसी तरह से थॉट की, थिंकिंग की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है. थॉट क्या कोशिश करता है? जानने की कोशिश करता है ना. थॉट के द्वारा हम चीजों को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं. तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है जानने की? नहीं, वर्ड पे हम नहीं जा रहे हैं. डिवाइन तो उसने पूछा है, ये तो फिर मैं वहां ही ले जाऊंगा. आप हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जानने की है कि आप जान जाओगे सब कुछ. ओके, अभी नहीं, लेकिन मन तो है ना. हम सब चाहते हैं ना कि अरे एक ज्ञान आ जाए हमारे अंदर, कोई मैजिक से या जैसे भी, कि हम सब चीज जान जाएं. उसी तरह से हार्ट क्या करता है? प्रेम करता है. लेकिन कैसा प्रेम, हम सब जानते हैं. तो प्रेम की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? अब ये आप अपने अंदर सोचो, हाईएस्ट प्रेम कैसा होगा? प्रेम में नॉर्मली क्या होता है?
आप चाहते हो मुझे क्या मिलेगा, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस होता है या प्रेम होता है? लेकिन प्रेम आप करो, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मम्मी कई बार करती ना ऐसा प्रेम, वो जो प्रेम है जिसमें वो कांस्टेंट आप प्रेम कर रहे हो लेकिन आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता है। आपकी विल पावर की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आप जो विल करोगे वो चीज हो जाएगी, है ना। विल पावर यही है ना, इट्स ए पावर जो प्रयास करती है कि मुझे ये चीज प्राप्त हो। ओके, जॉय की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक ऐसा जॉय जो कभी सौरों में नहीं बदले। नॉर्मली होता है ना, हम जॉय फील करते हैं कुछ देर बाद फिर वही फुस हो जाते हैं या सौरों में बदल जाता है। हमेशा वो जॉय रहे, किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? बाहरी चीज पर जो जॉय डिपेंड करता है वो इनवेरिएबली खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो चीज जब तक है तब तक आप खुश हो, जब चली गई तो आप दुखी हो गए। पीस की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, युद्ध हो रहा है कुछ भी हो रहा है लेकिन आप कितना भी बाहर में स्टॉर्म हो रहा है आप फिर भी पीसफुल हो। तो आपकी ही जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है दैट इज डिवाइन। डिवाइन एक डेफिनेशन अगर बनाई जाए, डिवाइन इज द हाईएस्ट परफेक्शन दैट वी सीक। हम सब चाहते हैं लेकिन हमको पता नहीं कि ये कैसे मिलेगा। और जो लोग हमको मार्ग दिखाते हैं, भारतीय संस्कृति कहती है ये केवल कल्पना नहीं है ये संभव है, और जो लोग हमको मार्ग दिखाते हैं डिवाइन तक ले जाते हैं। डिवाइन तक ले जाने का मतलब उस हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को हमारे अंदर जन्म देते थे कि हम हमेशा आनंद में रहें, हमारे अंदर प्रेम के अंदर कोई डिमांड नहीं रहे, हमारा ज्ञान ऑटोमेटिकली जिस चीज़ के बारे में जानना है वो ज्ञान हमको स्पॉन्टेनियसली आ जाए। तो जो लोग हमको ले जाते हैं डिवाइन तक उनको क्या कहते हैं, गुरु। ठीक है, तो जो हमको डिवाइन से परिचय ले जाते हैं, एक है आपकी सोल अंदर में, तो गुरु क्या करते हैं आपकी सोल को जो वायर है ना उसको कनेक्ट कर देते हैं, बाकी रास्ता अब आपकी सोल आपको ले जाएगी। सोल इज दैट वायर। तो डिवाइन इज द परफेक्शन दैट वी आर सीकिंग। हम क्यों वो चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो छिपा हुआ है इसलिए हम चाह रहे हैं, इसीलिए कहते हैं डिवाइन हिडन है। लेकिन आप उनको ढूंढ सकते हो, पा सकते हो, और हम चूंकि उन्हीं के अंश हैं उनके साथ एक हो सकते हैं, वो एक। और ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, योग, भगवान से जुड़ जाना। भगवान कौन है, हमारी जो हाईएस्ट, लेकिन हम नहीं जानते हाईएस्ट क्या है, ये तो बहुत अजीब सा शब्द है। अभी तो मैंने दो चार चीजें बोल दी, तो कंक्रीट एग्जाम्पल भी होना चाहिए ना कि जिससे हमको पता चले ओके अच्छा ये है हाईएस्ट, होना चाहिए ना। तो उसके लिए भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष में अवतार की बात की गई है। अवतार कौन है, भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, आप उनको देख के समझ पाते हैं अच्छा डिवाइन तो ऐसा है। तो सुना है आपने किसी अवतार का नाम, हाँ बिल्कुल, वाह, नरसिंह, श्री राम, कृष्ण, हाँ वी विल कम टू दैट, लड़ाई तो करते हैं, ये क्वेश्चन वी विल टेक अप। ओके, अभी इस इमीडिएटली उसी अवतार की श्रेणी में शुरू में किसी ने कहा था ना ये कौन है, श्री अरविंद है। श्री अरविंद से आप गुरु का भी संबंध रख सकते हो, क्योंकि वो आपको ले जा सकते हैं भगवान तक अगर आप चाहो, जबरदस्ती कोई नहीं करता किसी के साथ। या आप उनको अवतार रूप में देख सकते हो कि अगर आप श्री अरविंद के जीवन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी। अब भगवान लड़ाई भी कराते हैं, लड़ाई युद्ध अलग चीज है, हाँ बिल्कुल करते हैं। अब युद्ध को ले लें या लड़ाई को ले लें, तो आप बताओ जीवन में पूरे दिन आप लड़ाई करते हो अपने से कि नहीं करते हो कभी, है ना? कोई चीज आपके अंदर है जो आपको नहीं चाहिए, क्रोध आ रहा है, तो क्रोध से लड़ाई करोगे कि नहीं?
और अगर वो बार बार आ रहा है, आप समझा रहे हो क्रोध को, तो आप कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे कि ये खत्म हो जाए मेरे अंदर से। तो उसी प्रकार से जो हमारे अंदर वे चीजें जिनको हम नष्ट करना चाहते हैं, कभी कभी ये वृत्तियां समाज के अंदर, मनुष्यों के अंदर प्रकट होती हैं, और कभी कभी वो इतना भयंकर रूप ले लेती हैं ये वृत्तियां कि उनके कारण सारा संसार नष्ट हो सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंगर, आई हैव टू फाइट अगेंस्ट एंगर, मुझे क्रोध से लड़ना है। तो युद्ध हो रहा है, एक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति आ गया, अब वो बाहर आ गया, आप उससे डील करोगे, ठीक है, एक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है, कोई बिग इशू नहीं है। पर अगर ये क्रोधी व्यक्ति राजा बन जाए और इसके अनेकों अनेकों लोग हों जो सब क्रोधी स्वभाव के हों, जो जो मिल जाए उसको मार डालेंगे, थोड़ी सी बात से गुस्सा होकर आपका सिर काट देंगे, तो आप क्या करोगे? आप समाज को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बचाओगे ना। तो भगवान ये करते हैं, ऐसे नहीं लड़ाई करते हैं, जो मिल गया लड़ाई कर लो। मान लीजिए आपके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, आपके सामने कोई अन्याय हो रहा है, तो आप क्या करोगे? लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? उस सिचुएशन में लड़ना डिवाइन है कि अनडिवाइन है? डिवाइन है ना, ये अपने आप आपके अंदर इसका उत्तर है। एक लड़ना होता है कि हम अन्याय की तरफ से लड़ रहे हैं, और एक लड़ना होता है जब हम न्याय की तरफ से लड़ रहे हैं। तो अब देखो श्री राम और श्री कृष्ण का क्या हुआ था, क्यों लड़ा था उन्होंने युद्ध? क्योंकि एक घोर अन्याय करने वाला एक राजा था जो ये मानता था कि जिसको मैं देख लूं वो मेरा हो जाएगा, मेरे बल के आधार पर मैं जिसको चाहूं पकड़ करके ले आऊंगा। और वो राजा था, अगर वो साधारण व्यक्ति होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर राजा था तो उसके कारण सब पीड़ित थे। तो उनको हटाना, संसार को सेफ बनाना, वही चीज हम श्री कृष्ण के साथ देखते हैं। इसलिए भगवान लड़ने नहीं आते, लेकिन संसार में जब बहुत अधिक ये दुष्वृत्तियां, प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं जिनके कारण स्वयं संसार का जीवन संकट में पड़ जाता है। मैं डॉक्टर हूं, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लो किसी के शरीर में एक रोग हो जाए, कैंसर जैसा, अब अगर आप उसको काटो के हटाओगे कि नहीं हटाओगे? नहीं हटाओगे तो पूरा शरीर खतरे में है, तो आप उसको सर्जरी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। तो डिवाइन का युद्ध एक सर्जरी है, क्योंकि शरीर पृथ्वी के देह के ऊपर समझो कि एक रोग हो गया है, और उनको वो चीज़ें हटानी है, हटाएंगे तो रोग का इलाज होगा, नहीं तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दैट सेटिस्फाइज यू? ओके, कोई और प्रश्न? 5 मिनट है हमारे पास, हाँ बोलो। That's exactly what we want. Do we want it or not? First that. Hai na? We want it. Isn't it? Am I getting you right? Yes, but can happiness... We'll come to that. But is it... Do we want it or not? That's the only question. Now, ye world is tarah se bana hai ki jis cheez ko aap andar mein, aap jis cheez ko chah rahe ho kahin na kahin, wo kahin na kahin sambhav hai. लेकिन जितनी कठिन चीज चाहोगे उतनी कठिन आपका रास्ता होगा। वह जिसके अंदर हैप्पीनेस हमेशा रहती है उनको डिवाइन कहते हैं। तो अगर आपको इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इटर्नल से आपको जुड़ना पड़ेगा। इटर्नल से जुड़ने को योग कहते हैं। इटर्नल से जो हमको जोड़ दे उसको गुरु कहते हैं। बट अगर आपको इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए तो आपको फोकस्ड होना होगा और आपको वो रास्ता चुनना होगा। सो इफ यू आस्क मी इज इट पॉसिबल, यस, दैट्स व्हाई
हमारे अंदर कोई भी चीज़ की जब एस्पिरेशन आती है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल होना प्रोबेबिलिटी कुछ लोगों के लिए जो एक फोकस्ड हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। इतना कठिन भी नहीं है वैसे ये स्टेट को रियलाइज़ करना। और जैसे सोल है उसका नेचर ही है टू बी ऑलवेज इन जॉय, तो इफ यू टच द सोल यू विल बी ऑलवेज इन जॉय। सोल का नेचर है टू लव एंड लव विदाउट एनी डिमांड, इफ यू टच द सोल यू विल ऑलवेज बी एबल टू लव विदाउट एनी डिमांड। सोल का नेचर है विजडम, इफ यू टच द सोल इट विल ऑटोमेटिकली टेल यू व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, इट विल गिव यू द राइट नॉलेज। ओके, सो वेरी मच इट इज पॉसिबल, बट उसके लिए विशफुल थिंकिंग काफी नहीं है कि आई वॉन्ट इट आई वॉन्ट गेट इट इमीजिएटली। आई वॉन्ट इट इज द फर्स्ट स्टेप। आई एम रेडी टू अंडरटेक द जर्नी और डू वॉट एवर इट टेक्स टू फाइंड इट, देन येस प्रूफ देर आर अदर्स हु हैव गॉन बिफोर अस एंड हैव सेड इट इज पॉसिबल। योगी कहते हैं ना परमानंद की प्राप्ति, अब उन्होंने इस चीज को पाया है इसलिए वो कहते हैं और हम लोगों को वो मार्ग भी दिखाते हैं। हाँ बोलो। अब ये डिपेंड करता है, भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो तो इंस्टेंट हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए शांत रहना जरूरी है। आप किस भी स्टेट में हो, कहीं पर भी हो, शोरगुल हो रहा है, आपके अंदर भी खूब सारा चल रहा है विचारों का, रेस्टलेस हो, और आप अगर हृदय से कहोगे हे प्रभु आई वांट यू आई नीड यू मुझे हेल्प करो, मान लो वो आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर शोर चल रहा है, रेस्टलेस हो, भय से भरे हुए हो, तो शायद आप इमीडिएटली उनको नहीं सेंस कर पाओ। स्टिल ही विल कम, ही विल डू व्हाट इज नीडेड टू बी डन। ओके, आप बुलाओगे तो इंस्टेंट है वो। उसके लिए नहीं कह रहे मैं भगवान को बुलाने कहाँ ढूंढूं कोई जगह, पर हमको शांत इसलिए होना पड़ता है ताकि हम उनकी बात को सुन सकें, वो हमको जिधर जाने को कह रहे हैं हम उस तरफ चल सकें। दैट्स वाई वी नीड टू डेवलप पीस। शुरू में शांति के लिए हमको एक जगह पर जाना पड़ता है, एक प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ती है, जैसे अभी किया ना बड़ा सुंदर, ओम शांति 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 पीस शी कम्स। ओके, बाद में ये आपका एक नेचुरल हो जाएगा, आपको कुछ बुलाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीस आपकी मित्र बन गई है। यू डोंट हैव टू डू इट एज ए प्रोसेस। हाँ पूछो। थोड़ा सा इधर आ जाओ बच्चे, सो दैट आई कैन। हाँ, गॉड इज योर फ्रेंड देन द एंटायर पर्सपेक्टिव चेंज। यस एब्सोल्युटली, ये भारतवर्ष की देन है। हम भगवान से डरना नहीं सिखाया जाता हमको, हमको भगवान से दोस्ती करना सिखाया जाता है। आपने सुना होगा ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सुना है ना? ये केवल शब्द थोड़ी है। कभी आपने सुना है त्वमेव टेररिस्ट मम भय सदैव, ऐसा तो नहीं है ना, कहीं पढ़ा तो नहीं है ना? त्वमेव सर्वम मम देव देवा, बिल्कुल द होल पर्सपेक्टिव चेंजेस। ये भारतवर्ष का गिफ्ट है, बहुत सही पकड़ा। भगवान मित्रवत व्यवहार करोगे तो चेंज हो जाएगा आपका संबंध। मित्र कौन होता है? उसको आप कुछ भी कह सकते हो, कभी भी वो तैयार है आपके आपको हेल्प करने के लिए, सुनने के लिए। मिडनाइट में आपको रात को डर लगा, अचानक आंख खुल गई आपकी, कोई पास में नहीं है, तो भगवान को दोस्त के रूप में बुलाओ एंड सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। कॉल। हाँ बोलो।
एकदम क्या खुशी उदासी के बिना हो सकती है? यही तो बात है कि हो सकती है और होती है. आई टेल यू, आई गॉट योर क्वेश्चन. थोड़ा डिफ नहीं नहीं बिल्कुल सही क्वेश्चन है तुम्हारा बेटे. खुशी उदासी के बिना हो सकती है, होनी चाहिए. मैं तुमको इवन ह्यूमन लाइफ में इसका एक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? मैं योग का बड़ा वाला एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन इसके साथ एक चीज जोड़ूंगा. हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब तक उदासी नहीं आती ना, खुशी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते. अब एग्जाम्पल देता हूं. अभी तुम्हारी कितनी उम्र है? 12 हो गई ना. अच्छा, 5 साल के थे, 6 साल के थे, खुश थे या दुखी थे? खुश थे ना. जीवन कितना सिंपल था, है ना? कैसे था? खुश. कैसे खुश थे? क्यों खुश थे? क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं था कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब. ये किसी ने बताया नहीं था ना आपको. एक नेचुरल जॉय हम सबको गिफ्ट के रूप में मिलता है, लेकिन इसमें एक वायरस घुस जाता है. अब जब वायरस किस चीज का है, ये मुझे चाहिए तब मैं खुश होऊंगा. अभी ऑलरेडी आ गया होगा दिमाग में, बड़े होके जब पैसा कमाऊंगा. ये किसने डाला आपके मन में? बचपन में तो आप खुश थे, लेकिन कहीं से आ गया ना दिमाग में एक वायरस. तो क्या इसका मतलब है कि हमको अच्छा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि हमको पैसे मिलेंगे तो हम खुश होंगे. ये नहीं, आप कोई चीज अच्छी करोगे तो और भी जॉय मिलेगा. तो इवन ह्यूमन लाइफ के अंदर जितनी अधिक आपकी डिजायर्स होंगी उतना आपकी हैप्पीनेस कम होगी. मैथमेटिक्स की इक्वेशन है. योर हैप्पीनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ थिंग्स यू डिजायर. ओके, तो कुछ लोग इससे ये, अच्छा डिजायर नहीं होगा तो मैं काम क्यों करूंगा? क्यों नहीं, जॉय के लिए करोगे. आप खेल खेलते हो तो अच्छा खेलना चाहते हो ना, आपको उसमें जॉय मिलता है. ये थोड़ी कि आप क्रिकेटर बन के सचिन तेंदुलकर बनोगे, कोई जरूरी नहीं है. यू प्ले एंड यू गेट हैप्पी. जब आप पढ़ते हो कोई चीज, आपको एक नया ज्ञान आता है. अरे पढ़ा है कभी जस्ट जनरल स्टार्स कैसे घूमते, स्पेस के बारे में, समुद्री जीवन के बारे में जॉय मिलता है ना. तो कोई भी नई चीज जब हम एक्वायर करते हैं, नॉलेज है, खेल, तो वी शुड डू फॉर दैट पर्पस. वायरस क्या होता है? नहीं, आपको आगे चल के खूब पैसे कमाने हैं, वो वाला नौकरी करनी है, तो ये आपके, क्योंकि डिजायर्स हमारे अंदर भर जाते हैं. पर बिना डिजायर के भी हम लोग चीज को अच्छा कर सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं. और शायद आप जैसे बच्चे इस चीज को जान रहे हैं मोर एंड मोर. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ये बताया जाए कि फर्स्ट आओगे तभी ऐसा होगा. आप अच्छा करो, अच्छे से पढ़ो, आपको पढ़ने का जॉय मिलेगा अपने अंदर. ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू. हाँ, वन लास्ट क्वेश्चन विल टेक. बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि राजा की स्टोरी में एक हर्मिट था, लेकिन हर किसी के पास वो हर्मिट का सौभाग्य नहीं होता. तो हम बच्चों के बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो कहाँ से आंसर मिले? दो इसके उत्तर हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स, एक इंटरनल सोर्स. एक्सटर्नल सोर्स क्या है? गो टू द राइट पर्सन एंड द राइट सोर्स फॉर नॉलेज. इंटरनेट इज नॉट द सोर्स. ओके, आपका जो ज्ञान है, ज्ञान तो हमेशा आपको उसके पास जाके, तो अगर आपका ज्ञान ऐसा है कि आप जानना चाहते हो, मान लो फिजिक्स के बारे में प्रश्न है अगर, तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा जो फिजिक्स का ज्ञाता है.
अगर आपको रिलीजन, आपकी जो ट्रेडिशन है उसके बारे में जानना है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा जो इसका ज्ञाता है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, भगवान के बारे में, तो उसके पास जाना पड़ेगा जो इसका ज्ञाता है। ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया। लेकिन एक और तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का जो अब हम लोगों ने खो दिया है। अगर आपके अंदर प्रश्न है तो आप ध्यान करें, रिफ्लेक्ट करें, और वो जो उत्तर आता है ये आप अपने गुरुजन को बताएं। आप और रिफ्लेक्ट करें कि उस आंसर से आप पूरा संतुष्ट हैं, अपने अंदर से जो आंसर आया या नहीं। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो गो डीपर, थिंक अगेन, यू विल सी अनदर आंसर। इफ यू आर सेटिस्फाइड, फाइन। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, रिफ्लेक्ट अगेन। अल्टीमेटली इफ यू डू दिस प्रोसेस यू विल नॉट ओनली फाइंड द आंसर, यू विल ओपन ए डोर ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बच्चों को, जो आप टीचर्स की बात में कर रहा हूँ, पेरेंट्स टीचर्स, हम लोग बच्चों को सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी इज नॉट ए बुक स्टडी बट स्टडी ऑफ द सेल्फ, हमारे ही अंदर से उत्तर ढूंढने की जो विधा है, जो गुरुकुल में सिखाई जाती थी, वो उससे हम भूल गए हैं। अब ये प्रारंभ हो रहा है तो बच्चों को हमेशा एक स्कूल सिचुएशन में कम से कम एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जब वो अपने क्वेश्चन पे रिफ्लेक्ट करें और आंसर खुद ही लिखें। ये एम्पावरमेंट है, क्योंकि जब वो ऐसा करेंगे, हो सकता है उनका उत्तर सही गलत अल्टीमेट हो, ये अलग बात है, बट दे हैव फाउंड द प्रोसेस, जिस प्रोसेस पे चल के परमानेंट नॉलेज का डोर खुलेगा। तो बच्चों को सिखाना कि लर्न टू रिफ्लेक्ट, रेज क्वेश्चंस टू योर सेल्फ, जिसने आपको प्रश्न दिया है वो तुम्हारे अंदर है, वो आपको उत्तर भी देगा। ये क्लासेस में होना चाहिए स्कूल्स में, इफ पॉसिबल वन पीरियड ए वीक डेफिनेटली होना चाहिए। जब आप, आपका एक स्पेस होनी चाहिए जहाँ जो बच्चे, जिनके अंदर क्वेश्चन है, दे शुड जस्ट गो देयर, रिफ्लेक्ट, अच्छा एटमॉस्फियर, देन कम बैक विद देयर आंसर्स, एंड एज यू ग्रो द आंसर्स विल चेंज एंड बिकम बेटर एंड बेटर। That is the way. But suddenly इधर उधर से पूछ के इसकी बात, वो तो राजा की स्टोरी में है ही है, वो हर्मिट ना हमारे अंदर है पर अंदर मुश्किल होती इसलिए बाहर भी है, लेकिन कम है। हर्मिट के पास जैसे राजा गया, आपको वैसे जाना होगा। राजा ये नहीं कह मैं राजा हूं मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, विनम्रता से जाना होगा। ज्ञान तभी आता है जब हम विनम्रता से अप्रोच करते हैं। जब हमको ये लगने लगता है कि मुझे तो आता है, मैंने ये किताब पढ़ ली है, मैंने, देन द डोर ऑफ नॉलेज क्लोजेस। तो टू रिफ्लेक्ट, टू रेज क्वेश्चंस, यू विल फाइंड द आंसर्स। एक छोटी सी कहानी, फिर आई विल स्टॉप। उपनिषद की, ये क्वेश्चन आंसर की जो बात है, तो उपनिषद में एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, ये संसार कैसे बना है, इसका अल्टीमेट सत्य क्या है। तो गुरु कहता है तुम रिफ्लेक्ट करो और बताओ, तुम बोलो तुम्हारा क्या उत्तर है। तो वो शिष्य रिफ्लेक्ट करता है, देखता है आंखों से, इससे सब चीज़ तो मेटीरियल ऑब्जेक्ट हैं। तो वो कहता है कि मैटर से बना है, अन्नम ब्रह्मेति, अन्नम यहाँ मैटर, मेटीरियल वर्ल्ड को भी अन्नम कहा जाता है, फिजिकल वर्ल्ड यही रियल है और कुछ नहीं है। तो कहता है ओके, फर्स्ट स्टेप, आपने किंडरगार्टन पास कर लिया, लेकिन ये अल्टीमेट आंसर नहीं है, थिंक अगेन। तो वो फिर काफ़ी दिनों तक सोचता है, फिर कहता है कि प्राणम ब्रह्मेति, ये खाली मेटेरियल वर्ल्ड नहीं है, इसमें एनर्जी है जो ऑपरेट कर रही है। जानते हैं ना फिजिकल वर्ल्ड के अंदर एनर्जी है जो ऑपरेट कर रही है। तो कहता है गुड, लेकिन एनर्जी को तो कोई डायरेक्ट भी कर रहा है ना, थिंक अगेन, रिफ्लेक्ट। तो कुछ समय रिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद वो कहता है कि मन एनर्जी को डायरेक्ट करता है, तो मन है जिससे ये संसार की रचना हुई है। अच्छा, और सोचो, थोड़ा और रिफ्लेक्ट करो, मन को कौन डायरेक्ट करता है। तो वो रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो कहता है विज्ञानम, देर इज ए स्पेशल नॉलेज दैट ड्राइव्स द माइंड, इट्स समथिंग ग्रेटर देन द माइंड इट्सेल्फ। कहता है ओके, टेक वन लास्ट स्टेप।
फिर वो सोच के अंत में कहता है आनंदम ब्रह्मेति, डिलाइट से ये संसार की उत्पत्ति हुई है। सब जगह किसी ना किसी रूप में आनंद छिपा हुआ है, पेड़ पौधे, जल, पर्वत, दिन रात, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आनंद है। तो ये रिफ्लेक्ट करके एक तीसरा मेथड है स्टोरीज के माध्यम से, स्टोरीज, लेकिन वो वाली स्टोरी नहीं, वो मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं। स्टोरीज हमारे यहाँ बहुत अधिक हैं, इंडियन कल्चर में तो बहुत हैं जो हम भूल चुके हैं। ये स्टोरी सुनी थी किसी ने कभी, एनीबडी? देखो ये हमारे उपनिषद की कहानी है। तो वो स्टोरीज को सुन करके आपके अंदर एक डीपर ज्ञान की कोई डोर खुलती है। सो दैट इज अनदर वे कि उनको इंडियन कल्चर की बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं वो उनको शेयर करनी चाहिए एंड लेट देम। बट आई अंडरस्टैंड कि अधिकांश टीचर उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टोरी करके अगर उनके अंदर क्वेश्चन आता है तो फिर वो कहते हैं हमको नहीं मालूम। तो टीचर्स को भी ज्ञानवान होना पड़ेगा, और तो टीचर्स के अंदर भी ये भाव होना चाहिए। माँ ने कहा है हु इज़ एन आइडियल टीचर, माँ कहती है हु नोज़ द रिलेटिविटी ऑफ ऑल नॉलेज। अगर टीचर के अंदर ये भाव आ जाए और पेरेंट्स के अंदर कि हम थोड़ा बहुत हमने भी सीखा है लेकिन हम थोड़ी कोई ज्ञानी हैं, तो वो भी अगर ज्ञान की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं तो वो हेल्प कर पाएंगे स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर टीचर ये सोचेगा कि मैंने बीएड एमएड कर लिया, मुझे डिग्री मिल गई है, देयरफॉर आई नो, तो वो फिर स्टूडेंट्स को डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो टीचर को भी कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करते जाना है अपने ही ज्ञान को अर्जन करने में। तो उसको भी वही प्रोसेस अपनानी है, उसके जो उत्तर हैं उसमें उसको क्वेश्चन रेज करने हैं और उनके उत्तर ढूंढने हैं, तभी वो स्टूडेंट्स को आंसर दे पाएगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, जय माँ।